हाथरस में एक भीषण हादसा हुआ, सत्संग में कई लोग कुचल के दम घुटने से मर गए। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनमें ये शीला जी भी तैनात थी, ये वही मंच पे तैनात थी। भीड़ जब वहाँ उग्र हुई, जब दौड़ी तो इनको कुचलते हुए निकल गई। सीएम योगी आज इनसे मिले हैं, सीएम ने इनसे बात की है, इनसे पूछते हैं। सीएम आपसे मिले हैं? हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुझसे मिले हैं, बात हुई है घटना बारे में। उन्होंने मैंने बताया उनको। क्या बात पूछा आपसे? यही पूछा घटना के समय आप 2 महीने का मैं ड्यूटी पे मौजूद थी, पूरी सारी बात बताई जैसे घटना हुई हो। अच्छा, आपकी ड्यूटी वहाँ पे कहाँ पे लगी हुई थी? मंच के सामने लगी थी। मंच पे थे? हाँ, मंच। घटना कैसे हुई, घटना कैसे घटी? सारी पब्लिक एक साथ निकली, और सारी पब्लिक एक साथ निकली, पब्लिक ज़्यादा थी, एक दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ रहे थे। अब जो महिलाएं थी, बच्चों के लिए थी ज़्यादा कमजोर, वो गिरती गई। आपके चोट कैसे आई, आप कैसे गिरे? मैं झुकी महिलाओं को उठाने के लिए, तो मेरी पीठ में कमर में चोट आई। मैं एक दो को प्रयास किया, उठा भी दी, काफ़ी भीड़ महिलाएं थी, इतने सारे उठा भी, गर्मी थी, मैं खुद गिर गई वहाँ पे। आपको फिर कैसे मालूम पड़ा कि मुझे चोट लगी है, कब होश आया, क्या हुआ? मेरे स्टाफ के थे, वहाँ की महिलाएं भी थी जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी अलग से जो लगी होती है, उन्होंने मुझे उठाया। जब पानी वानी डाला तो मुझे होश आया। लोग आपको रंतु निकल गए आपके ऊपर से? हाँ, अब पता नहीं है, मुझे मैं बता नहीं सकते कितने लोग निकल गए, क्या हुआ। अनुमान में कितनी भीड़ रही होगी? 1 लाख से ज़्यादा ही होगी भीड़। 1 लाख से भीड़ बहुत ज़्यादा थी? भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो सेवादार थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी किसी की? हाँ, हेल्प करी, सेवादार भी थे और उन्होंने भी उठाने का प्रयास किया, पर भीड़ ही इतनी थी, क्या करते हैं उसे। देखिए, ये पुलिसकर्मी है, ये वही तैनात थी, ये गंभीर घायल हुई है, सीएम इनसे मिले हैं, इलाज का आश्वासन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये भी एक एंगल है, इसे भी देखना चाहिए किस प्रकार से इस महिला पुलिसकर्मी ने लोगों को बचाने का प्रयास किया और आज ये खुद ही गंभीर घायल है। कैमरामैन गीतम के साथ सुजर्वेदी, भारत समाचार, हाथरस।